गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट लेक्चर तक आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, जैसे कि हाँ थोड़ा सा रिवीजन करा दें हम आपको। आरएन का फॉर्मूला आपने सीख लिया था, वेरी गुड। कितना था? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, वेरी गुड। और दूसरा क्या था? हाँ 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर, ये हो गया रेडियस। फिर उसके बाद आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया था, कितना था? 2.188 इंटू 10^6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। फिर हमने और रिलेशंस देखी थी, हमने कहा था उसमें बस आपके काम की चीज़ उसकी रिलेशंस रहेंगी, बाकी उन चीज़ों को आपको रटने की ज़रूरत नहीं थी, राइट। हाँ आइए, थोड़ा सा वो बातें हो गई, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। साथ में आपको दो रिलेशंस भी याद कराने थे हमें। पहला क्या था? एम वी स्क्वायर आर सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे अगर हमसे कभी कोई के की वैल्यू पूछ ले तो वो कितनी होती है? 1/4πε0 के इक्वल, एक चीज। दूसरी चीज़ हमने सीखा था कि जो एम वी आर यानी कि एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π दैट इज एन एच अपॉन 2π के इक्वल होता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हमने आपको सिखा दिया था, कितना होता है? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई थी, चलिए अब हम आज उसी के आगे बात करेंगे। चले, ये आपके सामने रिकैप्चुलेशन पेज आ गया, आप एक बार चाहें तो इससे चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। वैसे करा तो दिया हमने बट फिर भी देख लीजिए, आर एन का फॉर्मूला 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, अगर आपको नैनोमीटर में चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.05 कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ बोथ ऑर्बिट दैट इज 2.188 इंटू 10^6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इन मस्ती प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी कि आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू क्या होगी? एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड टू अपॉन जेड वन की इक्वल होगी। वी एन, वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, यानी कि वी वन अपॉन वी टू की वैल्यू जेड वन अपॉन जेड टू इंटू एन टू अपॉन एन वन की इक्वल होगी। इसी तरह से टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। सो टी वन अपॉन टी टू इज गोइंग टू बी एन वन क्यूब अपॉन एन टू क्यूब इंटू जेड टू स्क्वायर अपॉन जेड वन स्क्वायर। फिर आपने सीखा था एम बी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर आपने सीखा एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। चलिए आज हम जो निकालने जा रहे हैं दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन में दो टाइप की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, क्लियर है? तो ठीक है, अगर मुझे अपने घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है तो मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या करना होगा? ऐड करना होगा, यही बात है ना। चलिए देखिए, पोटेंशियल एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, वेरी गुड, कितनी होती है? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हाँ स्क्वायर नहीं, क्या होता है? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब ये एम वी स्क्वायर कहाँ से निकालें हम? तो देखिए आपको याद है पहला इक्वेशन, वेरी गुड, क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो बताइए एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगी। ये बात देखिए सही है, आ जाएगी ना। यानी कि जहाँ भी एम वी स्क्वायर लिखा होगा हम चाहें तो वहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं,
देखिए यहाँ एम वी स्क्वायर लिखा है क्या? हाँ, तो हम उसके जगह पे ये लिख ले। चलिए तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू अभी कितनी आई थी? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की इक्वल आई थी ना। अब चलिए एक काम करते हैं, इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर यही कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या बन जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन लेने के बाद इसमें से ये पूरी वैल्यू चली गई तो माइनस वन बचा, यहाँ से ये वैल्यू चली गई तो क्या बचा? प्लस वन बाई टू बचेगा ना। अभी आप एक काम करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और आप इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू। आप करके देख लीजिएगा, एलसीएम लेंगे टू आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू प्लस वन आएगा, माइनस टू प्लस वन को सॉल्व करेंगे तो माइनस वन आएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन बाई टू। माइनस वन बाई टू का मल्टीप्लाई करिए तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, चलिए दिख नहीं रहा है, आप यहाँ पे मान लेंगे यहाँ पे स्क्वायर है। तो आपको नेट एनर्जी मिल गई, किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की वैल्यू आपको मिल गई, और वो कितनी होती है? अगर मैं टोटल एनर्जी को ई से लिखूँ तो वैल्यू होती है माइनस ऑफ हाफ की जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होती है। बात समझ में आई मेरी आपको? हाँ, ये वैल्यू होती है। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बताइए काइनेटिक एनर्जी, अभी आपने देखा था कितना होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है। अभी आपने देखा कि एम वी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप रख दें तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? के जेड स्क्वायर अपन आर आई थी। यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला ये भी हो सकता है ना, यानी कि जहाँ पे 1 बाई टू के जेड स्क्वायर अपन आर लिखा हो आप उसको काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है क्या? हाँ है ना। तो क्या मैं इसकी जगह पे के आई लिख सकता हूँ? सॉरी नॉट के आई, काइनेटिक एनर्जी के ई लिख सकता हूँ ना। यानी कि हम इसको हटा के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। यानी कि मुझे पता चल गया कि जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यानी कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता है तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उसकी नेट एनर्जी मिल जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और ध्यान से देखिए, इसी को देखिएगा आप इस बार ना, हम कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू किसकी है? याद आ रहा कुछ? हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस, उसमें वन नहीं होता है तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो वैल्यू कितनी होती है? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होती है ना। तो यानी कि हम इस वैल्यू को हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ई इज इक्वल टू, अगर मैं इस सबको हटा के पोटेंशियल एनर्जी लिख दूँ तो बताइए नीचे अभी क्या बचा है? टू। यानी कि मुझे कुछ रिलेशन मिलेंगे जो बड़ी काम के, ध्यान रखिएगा क्या है। जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी के आधे के इक्वल होती है, या आप कह सकते हैं कि उसके काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होती है। बात समझ में आ गया आपको? हाँ। यानी कि काम की चीज़ क्या है जो आपको याद रखना है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, नेट एनर्जी, उसके माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी या उसके पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के इक्वल होगी। ये चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। और हम ऐसा क्यों समझाना चाहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के अगर नेट एनर्जी दे दिया तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया तो भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं और एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमें एक चीज़ आज से याद रखना है, ये रिलेशन, क्योंकि अगर इन तीनों में से मुझे कुछ भी पता है, चाहे वो नेट एनर्जी पता हो या काइनेटिक एनर्जी पता हो या पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बाकी दो वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ इस रिलेशन को यूज करके। समझ में आया मेरी बात? याद रखेंगे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा नहीं।
सो देखिए ये उसका डेरिवेशन वगैरह यहाँ पर सब दिया हुआ है, और जो आपको मिलेगा वो देखिए इतनी सी रिलेशन है, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टू। अब टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आती है वो कितना आया, माइनस के जे डी स्क्वायर अपॉन टू आर, या अभी आपने निकाला था कितना आया था, माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आया था ना। अब इसमें अगर सारी वैल्यू उठा कर रख दिया जाए, आर की वैल्यू, के की वैल्यू और ई की वैल्यू, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो जेड आपको दिख रहा है ये जेड क्या है, वेरिएबल, तब मैं अगर आर की वैल्यू उठा कर रखूँ, ये आर की वैल्यू क्या होती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, याद नहीं होगा बट कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए, अभी पिछले लेक्चर में हमने डिराइव कराया था, ठीक है। तो वहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ उठा के रख दूँ तो मुझे एनर्जी ऑफ एनथ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ बोर्थ ऑर्बिट का फॉर्मूला मिल जाएगा। जो मुझे याद रखना है वो ये है, दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ कितना होगा, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई आपको, कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, इसका कंप्लीट डेरिवेशन वगैरह दिया है जो कि आप पीडीएफ से कर ही लेंगे, कुछ है नहीं, सब वैल्यू वगैरह उठा के रख देंगे और सब सॉल्व करने के बाद आपको यही वैल्यू मिलेगी, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि आपको ई एन मिल गया, आपको नेट एनर्जी मालूम है कितनी है, दैट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं कैसे। हाँ वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है, या फिर अगर आपको ये याद है तो ई इज इक्वल टू माइनस के ही होती है, तो बात तो वही हो गई। तो बस करना क्या, आपको माइनस और ई की वैल्यू उठा के रख दीजिए, दैट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि आपको फॉर्मूला बन जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये सब रटना नहीं है, बस आपको एक याद रखना है एनर्जी का फॉर्मूला, नेट एनर्जी का, बाकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा प्लस, तो देखिए 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर यही मिल जाएगा क्या। हाँ आपको अगर याद है तो हमने एक रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी बना रखी है, वेरी गुड, क्या था वो, एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टू, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो टू को इधर भेज दीजिए, क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मुझे उसकी एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 6 12 2 3 6 7 एंड 2 1 2, ये हो जाएगा माइनस 27.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लेना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, एनर्जी, नेट एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी सब तो आप खुद से कर ही लेंगे, कर सकते हैं। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी उसी को पॉजिटिव लिखा गया है, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार फिर आप बैठ के रटना मत शुरू कर दीजिएगा, आपको कुछ रटना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, और पीछे जो रिलेशन बनाया था हम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अब आपको इसकी थोड़ी सी वेरिएशन देखनी होगी, इसकी वेरिएशन थोड़ी सी अलग है, अब क्यों अलग है ये भी समझ लेंगे। अब देखिए 5 और 6 में बड़ा कौन है, 6, अगर मैं माइनस लगा दूं तो बताइए बड़ा कौन हो गया, माइनस 5 बड़ा हो गया, यानी कि एक चीज़ मुझे एकदम क्लियर है कि माइनस आने के बाद जो उल्टा दिखता है वो सीधा होता है और जो सीधा दिखता है वो उल्टा होता है, ये बात है ना। तो आइए अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू के एक्स, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x
अपॉन जेड। तब कहेंगे कि सर वाई के बढ़ाने से एक्स बढ़ेगा या एक्स के बढ़ाने से वाई बढ़ेगा, यानी कि वाई और एक्स के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनल होगा। उसी तरह से वाई और जेड के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा, यही होता है नॉर्मल। अब मैं अगर बताइए ये लिख दूँ कि वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स अपॉन जेड, तो बताइए वाई और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि इन्वर्सली? हाँ, अब होगी ना मुश्किल। माइनस क्या करता है, उल्टा करता है। अगर माइनस नहीं होता तो वाई और एक्स कैसे होते डायरेक्टली? माइनस है इसका मतलब क्या हो गए, इन्वर्सली। अब बताइए वाई और जेड माइनस नहीं होता तो क्या होते, इन्वर्सली, क्योंकि माइनस है तो अभी वाई और जेड कैसे हो गए होंगे, डायरेक्टली। यानी कि आपको उल्टा रिलेशन देखने आना चाहिए, समझ में आ गया होगा ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, बताइए फॉर्मूला क्या है। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ से इनके डिफरेंसी लिखूँ सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मुझे लिखना पड़ेगा माइनस के साथ। अब बताइए मुझे ई और जेड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? हाँ, अब ये क्या है, दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे जेड बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई की वैल्यू घट रही होगी। बताइए ई और एन स्क्वायर डायरेक्टली या इन्वर्सली? नाउ दीज आर डायरेक्टली, क्यों, इस नेगेटिव सिंबल की वजह से। अगर नेगेटिव नहीं होता तो ये इन्वर्सली होता, यानी कि आप बताइए अगर मैं एन बढ़ाऊँ तो डायरेक्टली है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि जो आपको समझना है बस इतनी सी बात है कि मैं अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स बना दूँ, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, तो सभी सेल की एनर्जी होती है। हाँ, अभी हमने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, और ये चीज़ आपको पहले से भी पता है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल बढ़ाते हैं एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई आपको? इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करके यहाँ जाना होता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो वहाँ तक जा पाता है। क्लियर है? वैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाहता है तो आपको पता है कि इसकी एनर्जी सेल ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ एनर्जी कम, तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा और कम करके यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जंप करता है तो वह एनर्जी इमिट करता है, रिलीज करता है, जबकि अगर वो लोअर सेल से हायर सेल में जाने के लिए कोशिश करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गया मेरी बात, कर सकते हैं? चलिए कर सकते हैं, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी रुकिए, पावर कट हो गई है। हाँ, तो देखिए क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इस माइनस की वजह से जब हम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते हैं तो एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। अगर ये माइनस नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। क्लियर है ना? अब देखिए जैसे अभी आपने देखा था कि हमने सेल को ऐसे बनाया हुआ था, या फिर आप भी जनरली सेल्स को ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि आपको पता है ये सेल्स कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं। तो आप पूरा ना बना के अगर आधा बनाएं, जब पूरा बनाएंगे तो ऐसे कंप्लीट ऐसे सेल बनेंगी बनेंगी ना, यहाँ बीच में आपका न्यूक्लियस होगा, मान लीजिए एक सेल और है। अभी क्या होना, इन सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करने में मुश्किलें होती हैं, तो हम अपने काम को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्ट्रेट लाइन से। यानी कि अगर अब मुझे फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे करूँगा, फर्स्ट, सेकेंड सेल, सेकेंड, थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल, फिर फिफ्थ सेल, ऐसे फिर सिक्स्थ सेल, ऐसे सेल्स तो बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, आपने एक चीज़ देखा, हाँ नोटिस किया ना, नहीं ये मेरी ड्राइंग ख़राब है इसलिए मैंने इनको पास पास नहीं किया है, ये पास पास होते जाएंगे। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते जाएंगे दो सेल के बीच का गैप वो लगातार कम होता जाता है। अब सवाल आपके मन में ये आएगा, सर क्यों? तो आइए वो भी करके देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सबके लिए एन की वैल्यू लिख लेते हैं। दिस इज
n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे कहाँ तक, n is equal to infinity तक। हाँ, क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करती हैं। चलिए, ये हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है, किसके लिए कैलकुलेट करें ये बताइए। हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करें, चलाइए पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। फॉर हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो बताइए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, जेड की जगह पे 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे जब फर्स्ट सेल निकालना होगा E1, तो मैं क्या लिखूँगा, -13.6। आप चाहे तो इस फॉर्मूले में भी रख के लिख लीजिए। अब क्या ना कि एक ही चीज़ बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो अभी ये 1 स्क्वायर बार बार लिखे उससे बढ़िया हम इसको पहले ही सॉल्व करके ऐसे बना लिए। अब मैं n की वैल्यू रखते जाऊंगा और मुझे वैल्यू मिलेगी। तो देखिए, फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1 होगी, 1 के स्क्वायर 1, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, -13.6/1, जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपको फर्स्ट सेल की एनर्जी मिल गई, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए ऐसे दूसरा निकालते हैं। अब दूसरा निकालने के दो तरीके, एक तो जो हम शॉर्टकट बनाया आप वो यूज कर लीजिए। कैसे, E2 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इसको डिवाइड करिए देखिए कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए सेकेंड सेल की एनर्जी आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही थर्ड निकालना है, वेरी गुड। ये थर्ड कैसे निकालेंगे, n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, इसको डिवाइड करिए मेरे हिसाब से -1.51 के आसपास आना चाहिए, आप करके आप देख लेंगे। तो E3 की वैल्यू आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह E4 कैलकुलेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 से डिवाइड करिए, आई थिंक 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये हो गया मेरा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे एनर्जी के बीच का गैप कैसे निकालेंगे, इनको माइनस करके। तो कर लीजिए देखिए, अगर मैं इनके बीच का गैप निकालूं तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ई इज इक्वल टू, कहाँ जाना है मुझे, E2 पर, कहाँ से, E1 से। तो देखिए E2 की वैल्यू कितनी आई है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, माइनस करना है तो माइनस लगा देंगे। E1 की वैल्यू कितनी थी, -13.6, इसको सॉल्व करिए देखिए कितना हो जाएगा, -3.4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 13.6, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर फर्स्ट और सेकेंड सेल के बीच का गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। इसी तरह हम सेकेंड और थर्ड को निकाल सकते हैं। बताइए सेकेंड और थर्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वेरी गुड, E3 - E2 करना पड़ेगा। जहाँ जाना है 3 पे, जहाँ से जाना है 2 से, तो E3 की वैल्यू देखिए कितना आई है मेरे हिसाब से, -1.51 माइनस E2 की वैल्यू कितनी थी, -3.4, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1.51 माइनस माइनस प्लस 3.14, इसको सॉल्व करिए हो जाएगा 3.61, सही है ना। हाँ, ये वैल्यू आ जाएगी 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इन दोनों के बीच का गैप 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये गैप कितना था, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यहाँ के लगभग 1.5 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो बताइए गैप बढ़ गया या घट गया, घट गया ना, यहाँ गैप ज़्यादा था, इसलिए देखिए दोनों लाइंस के बीच में स्पेस ज़्यादा हमने छोड़ रखा है, जबकि यहाँ पर इनके बीच गैप कम है, इसलिए इन लाइन को थोड़ा थोड़ा हमने पास किया है।
ऐसे आप इनको कैलकुलेट करिए, थर्ड और फोर्थ को, इसको भी करके देख लीजिए। इसके लिए क्या करना होगा हमें, वेरी गुड, e4 माइनस e3 करना होगा। e4 की वैल्यू 0.85 माइनस e3 की वैल्यू माइनस कितना आया था 1.51, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस 0.85 माइनस माइनस प्लस 1.51। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 एंड 14 माइनस 8 6, देखिए कितना आ गया 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आ रही है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए वैल्यू और कम हो गई क्या, पहले दो सेल्स यानी फर्स्ट और सेकेंड सेल के बीच का गैप लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड और थर्ड के बीच का गैप 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड और फोर्थ के बीच का गैप 0.66, यानी कि आप कह सकते हैं सर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे किसी भी दो लगातार सेल्स के बीच का गैप, एनर्जी गैप लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए यही रीजन है कि मैंने फर्स्ट सेकेंड के बीच में गैप ज़्यादा रखा, सेकेंड थर्ड के बीच कम, थर्ड फोर्थ को और कम, फोर्थ फिफ्थ को और कम, फिफ्थ सिक्स को और कम, सिक्स सेवन्थ और कम, यानी कि मुझे अगर सिक्स के बाद सेवन्थ बनाना है तो मैं यहाँ कहीं बनाऊँगा। अब देखिए कम जो एट्थ बनाना होगा और पास, ऐसे पास होने वाली मेरी, हाँ चलिए। अब ये तो रही बेसिक सी बात है, E1 निकालना आ गया, E2 निकालना आ गया, E3, E4, E5 यानी किसी भी सेल की एनर्जी आप निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मुझसे ई इन्फिनिटी पूछ लिया जाए तो उसकी वैल्यू आती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, यानी कि कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि इनफाइनाइट सेल पे एकदम सबसे दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया है तो उस पर जो एनर्जी होगी उसकी वो क्या होती है, 0 हो जाती है। अब देखिए इसके क्यों होती है ये भी देख लीजिए कैलकुलेट करके। ई इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे, -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए लिखेंगे -13.6 Z² n की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर, देखिए -13.6 Z² इन्फिनिटी का मतलब अनंत, उसके स्क्वायर करने का मतलब भी अनंत ही रहेगा यानी कि इन्फिनिटी ही रहेगी। अब इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, अगर मैं इस इन्फिनिटी को हटा के 1/0 लिखूं तो ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अच्छा, 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसीलिए ई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आपको पता है ये जो भी एनर्जी आ रही है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के आसपास होती है और वो क्या होती है, उसके हाफ के बराबर, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसके पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के इक्वल होती है। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रहा है, इन दोनों के बीच के इंट्रैक्शन की वजह से। आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा न्यूक्लियस के पास में, एक को यहाँ रखा, अब तो किस केस में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा, यहाँ लेके आ गए और कम हो गया, यहाँ लेके आ गए और कम हो गया। अब आप इसको लेके चले गए इतने दूर लेके चले गए कि इसके और उसके बीच कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर फोर्स काम नहीं कर रहा है तो क्या ये उसको कोई एनर्जी देगा, नहीं देगा। इन दोनों के बीच यानी इस पे एनर्जी सिर्फ इस वजह से आ रहा था क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन होता, इंट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था। यहाँ भी इंट्रैक्शन था, यहाँ भी इंट्रैक्शन था, यहाँ भी इंट्रैक्शन था, इंट्रैक्शन मतलब कोई भी फोर्स हो सकता है, अट्रैक्शन रिपल्सन। हाँ, इस केस में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको बढ़ाते गए एक टाइम आएगा जब इसके और उसके बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, यानी कि जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चली गई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो बताइए एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0/2 यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तीसरा, आप ये भी सोचिए कि आप हमारे कांटेक्ट में स्कूल में थे तो पढ़ते थे तो आपसे मेरी काफ़ी अच्छी बनती थी ना। हाँ, तो आपको कोई दिक्कत होती थी हम आपको समझा लेते, कभी कभार अगर आप डाइवर्ट होते, आपका मन नहीं करता तो हम आपको मोटिवेट करते, आप पढ़ने लगते, यानी कि उस टाइम पे सब कुछ अच्छा चलता। अभी आप घर से देख रहे हैं तो हमारे बीच की गैप थोड़ी सी बढ़ गई है ना, हम आपको मोटिवेट कम कर पाते होंगे, है ना।
यानी कि जैसे जैसे आप हमसे दूर होंगे हमारे बीच का कनेक्शन कम होता जाएगा। अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये स्कूल छोड़ के कहीं और चले जाए, उनका इंटरेक्शन मुझसे और भी कम हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो पढ़ाई ये छोड़ दिए हों, क्या वो बच्चे मुझसे अब कोई मतलब रखेंगे? नहीं। यानी कि जब वो उतना दूर चले गए कि हमारा उनके पीछे कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो अब हम मोटिवेट करें या कुछ भी करें उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पढ़ाई करता ही नहीं है। जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसको हम मोटिवेट करेंगे तो और पढ़ेगा। जैसे कि कुछ बच्चे होंगे आपके ग्रुप के जो कॉमर्स ले लिए होंगे, अब मैं आपको इतना समझाऊं कि देखो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ईजी है, सब है, आप तो मोटिवेट हो जाओगे। क्या वो कॉमर्स का बच्चा मोटिवेट होगा? नहीं, क्योंकि उसको तो इस केमिस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि एक टाइम के बाद जब इंट्रैक्शन खत्म हो जाती है तो हम उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाते। वैसे ही जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएंगे इफेक्ट्स कम होगा, यानी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लगातार कम होती होगी। आप बढ़ाते जाइए, एक टाइम के बाद ऐसा भी टाइम आएगा कि उस पर इसका कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो उसकी नेट एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पे चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और नेट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब जीरो हो जाती है। कर सकते हैं, एक तो रही ये चीज़, इनके बीच का सेल का गैप वगैरह। हाँ, कई बार देखिए आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछेगा बताइए एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में जंप करके जाना चाहता है तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी दोनों के बीच के गैप का? अभी तो हमने निकाल के रखा है कितना आया था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको रटना नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए। जब भी यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई पूछे कितनी एनर्जी चाहिए, आपको जहाँ जाना है उस एनर्जी में से, जहाँ से जाना है उस एनर्जी को माइनस कर दीजिए, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। आपकी एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है बहुत अच्छी बात, अगर नेगेटिव आती है तो आप उसको पॉजिटिव बना लेंगे। कब? जब आप उससे किसी भी चीज़ का, मान लीजिए जो रेडिएशन निकल रही होगी उसके वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर रहे हों या उसके फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में आप डेल्टा ई की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे आता है नेगेटिव तो आप छोड़ सकते हैं। नेगेटिव का मतलब ये बताएगा कि आप हायर सेल से नीचे सेल की तरफ जंप कर रहे हैं और आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। आपका मतलब आप नहीं, हाँ आपका मतलब इलेक्ट्रॉन, हाँ आप थोड़ी जंप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? ऐसे ही मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा? रेडिएशन के फॉर्म में। वो रेडिएशन क्या होगी? हाँ, एक फोटोन की तरह काम करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके आता है तो वो कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन जनरेट करता है। तो पहले तो मुझे क्या निकालना होगा? डेल्टा ई। डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? जहाँ जाना है उसको, सो कहाँ जाना है? फर्स्ट सेल पे। कहाँ से? फोर्थ सेल से। यानी क्या बन जाएगा? E1 - E4। E1 की वैल्यू मुझे पहले ही कैलकुलेट करके मैंने रखी है, कितना आया है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस E4 की वैल्यू भी कैलकुलेटेड है, देख लीजिए कितना है, 0.85। हाँ, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा -13.6, माइनस होगा ना, माइनस माइनस प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इनको सॉल्व करेंगे वैल्यू माइनस में आएगी, कितनी आएगी देखिए, 5, 7 and 12। ये वैल्यू आएगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन हायर सेल से नीचे वाली सेल में जंप कर रहा है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको डेल्टा ई या ई की वैल्यू कहीं भी आपको नेगेटिव देखने को मिल जाती है तो आप उस सेल में कह सकते हैं कि इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है कि अभी एनर्जी रिलीज हुई, तो जाहिर सी बात अगर एनर्जी रिलीज हुई होगी तो उससे कोई रेडिएशन निकली होगी, उस रेडिएशन की वेवलेंथ बताइए। तो बता सकते हैं हम, बताइए उसके लिए फॉर्मूला क्या है? E = hc/λ। अब समस्या ये है कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी मुझे? मुझे एनर्जी चाहिए ना, तो बताइए एनर्जी तो मुझे पता है, यही वैल्यू तो एनर्जी है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव में, तो हम वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेंगे, क्या लेके चलेंगे वहाँ पर? पॉजिटिव।
तो हम यहाँ लिखते हैं मॉड ऑफ डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो आप मॉड ऑफ डेल्टा ई लिखिए तो माइनस कितना आया था 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एच सी की वैल्यू हम कितना ले लें 1240 अपॉन लैम्डा मॉड है तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनटू लैम्डा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1240। अब आप क्या करिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई 12.75। मेरे हिसाब से ये वैल्यू 100 के आसपास आएगी, 99 या 100 आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए हम कर ही देते हैं 1240 डिवाइडेड बाय 12.75 ये वैल्यू आएगी 97.25 नैनोमीटर। क्यों नैनोमीटर में आया, क्योंकि आपने 1240 यूज किया था ना, एस सी की वैल्यू क्या होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ही, लैम्डा किस में रहना चाहिए नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में आ गया। कर सकते हैं, चलिए अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं ऐसे रैंडम से। वी नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल ऑफ किसका ले लें, लिथियम का ले लें, ये काम करे फोर्थ सेल ऑफ लिथियम, चल ले लीजिए लिथियम आयन। तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो देखिए -13.6 लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 के स्क्वायर बोले तो 9 और n की वैल्यू 4 n का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। आप इसको डिवाइड करिए तो देखिए कितनी बार में कैंसिल होगा, आई थिंक -0.85 आप करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही आएगा इंटू 9। इसको सॉल्व कर देंगे आपको मिल जाएगा -9.5 = 45 72 76 यानी कि 7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कर सकते हैं, अगर आपसे जूल में पूछेगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बनाने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आपकी वैल्यू किसमें मिल जाएगी जूल में। आइए देखिए हाइड्रोजन के लिए यही सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं इस ग्राफ की हेल्प से, ग्राफ नहीं है एक डायग्राम है एनर्जी सेल्स का जो कि आपको पहले बना के दिखा दिया है, एन इजक्ल टू 1 एन इजक्ल टू 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, सबकी एनर्जी कैलकुलेटेड है, आपको ये सब रटना नहीं है, सब आपको दिखाने के लिए है कि एनर्जी सेल्स के बीच का गैप क्यों घट रहा है, ये आपको प्रूव करने के लिए बस बनाया गया है, ठीक है। हाँ एक और चीज़ आपको यहाँ पर बड़ी काम की सीखनी है, वो क्या है देखिए ये जो n इजक्ल टू 1 होता है हम इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल कंडीशन, इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल कंडीशन में है। अब सोचिए कि आपको डेली 10 रुपये मिलती है, ठीक है पॉकेट मनी, आज भी आपको 10 रुपये मिली है तो कुछ खास हुआ क्या आज, नहीं ना। अगर सोचिए कि पापा आज आपको 10 रुपये के बदले 100 रुपये पॉकेट मनी दे दें तो आप खुश हो जाएंगे कि नहीं, हाँ आप एक्साइटेड हो जाएंगे ना कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया आज। कुछ ऐसा ही है, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है यानी कि अपने फर्स्ट सेल में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके फर्स्ट सेल में ही रहता है ग्राउंड स्टेट में। अगर उसको आपने कहीं से एनर्जी दे दिया तो वो एक्साइटेड हो जाएगा और एनर्जी अब्जॉर्ब करके क्या करेगा, हाँ हायर सेल में जंप कर जाएगा। तो जैसे यहाँ से अगर यहाँ जंप किया तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट एक्साइटेड सेल, यानी कि अगर थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ तो कहाँ जाएगा एन इज इक्वल टू 2 में, तो ये उसकी हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड सेल। ये चीज़ आपको समझना होगा, ग्राउंड सेल कहेगा तो आपको एकदम नॉर्मल एन इज इक्वल टू 1 लेना है, फर्स्ट एक्साइटेड सेल कहेगा तो आपको एन इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, यानी कि जब ये फर्स्ट कहेगा तो आप इसमें +1 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ सेल मिल जाएगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट
टू है इसमें वन ऐड कर देंगे क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ सेल यानी कि थ्री। अगर आपसे कह दे कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है तो आपसे क्या कहना चाहता है वो कि नंबर ऑफ सेल उस टाइम पे कितनी रही होगी, सिक्स रही होगी। बात समझ में आई है? हाँ, अगर ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है तो उसमें जब हम प्लस वन करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ सेल मिल जाएगा। यानी कि अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन कह दे कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट में है हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, उस टाइम पे वो n इक्वल टू 10 को शो कर रहा होगा, 9 में प्लस 1 कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए, ये था एक्साइटेड स्टेट। ये तो आपको एक्सप्लेन ही कर दिए हम। एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल, कोई भी दो सेल्स के बीच का एनर्जी गैप घट जाती है। जैसे पहले दूसरे में 10.2 है, दूसरे तीसरे में कम हो जाएगा, तीसरे चौथे में और कम हो जाएगा, चौथे पांचवे में और, पांचवे छठे में और कम। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स को हम बढ़ाते जाते हैं दो एनर्जी सेल्स के बीच का गैप क्या होती है, घटती जाती है। आइए ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ्स किसकी हैं, टोटल एनर्जी की। चलिए टोटल एनर्जी के ग्राफ्स हम बनवाते हैं आपसे। पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। चलिए आपको पहला ग्राफ बनाना है ई एन और किसके बीच बनाएंगे, जेड के बीच में। चलिए जेड के बीच में ही बना लीजिए पहले, ई एन और जेड के बीच में। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता है, आप लिख लीजिए ई एन इज इक्वल टू, देखिए इसमें कांस्टेंट क्या क्या है। वेरी गुड, ये कांस्टेंट होगा, जेड आपका वेरिएबल ले लिया आपने तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इन सबको हटा देंगे तो आपको मिलेगा ई एन इज इक्वल टू माइनस, ये सब कांस्टेंट की जगह पे के लिख देंगे और क्या मिलेगा आपको, जेड स्क्वायर। अब देखिए ई एन को आपने कहाँ लिखा है, वाई एक्सिस पे, तो आपने वाई लिख दिया, फिर माइनस के। अब बताइए एक्स एक्सिस पे क्या है, जेड। यानी कि जहाँ जेड होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स। यहाँ जेड है ना, यहाँ हम एक्स लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स। तो यहाँ लिख दिए, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। यानी कि मेरा ग्राफ क्या बन गया, वाई इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ग्राफ का नेचर याद आया, वेरी गुड, क्या होता है, पैराबोला। लेकिन ये ग्राफ कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव सिंबल। यानी कि हमारा पैराबोला कहाँ बनेगा, ऊपर या नीचे, नीचे बनेगा। यानी कि हमारा ग्राफ ये बनेगा, कर सकते हैं। अगर ये माइनस नहीं होता तो ये ग्राफ कहाँ बनता, तो ग्राफ ऐसा बनता, ऐसा बनता, बनेगा नहीं, ऐसा बनता कब, जब यहाँ पे माइनस नहीं होता। यानी कि हमारा फॉर्मूले में जो माइनस है ये माइनस नहीं होता तब। समझ में आया मेरी बात? आइए नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। अब नेक्स्ट वो जो बनाते हैं, देखिए इस बार हम ग्राफ बनाएंगे ई एन और पहले अभी कौन सा बनाए थे, देख लीजिए जेड का बनाया था ना, ठीक है तो जेड स्क्वायर का बना लीजिए अभी। तो बस देखिए क्या करना, आपको फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख के सब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर, यहाँ तक तो आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए ई एन की जगह पर आप क्या लिखेंगे, वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, माइनस के। अब बताइए एक्स की जगह पर क्या है, जेड या जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो देखिए मैं जेड के जगह पे एक्स लिखूंगा या जेड स्क्वायर की जगह पे, हाँ मैं जेड स्क्वायर की जगह पे। यानी इस पूरे को हटा के अब मैं क्या लिख दूंगा, एक्स। देखिए ग्राफ क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ, माइनस मतलब ग्राफ का नीचे नीचे, और इसमें सी नहीं है, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। ग्राफ ये बनेगा, आइए चेक कर लीजिए, एक ग्राफ ये बन गया और ये बन गया आपको दूसरा ग्राफ। अब देखिए ग्राफ में आपको एक चीज़ हम पहले बताया था, जब ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो तो थोड़ी दूर के लिए आप डॉट 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 कर दिया करिए, ठीक है, हाँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। आइए नेक्स्ट ग्राफ हम बनाते हैं,
अब आप ग्राफ बनाएंगे en और n स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो लिख लीजिए फॉर्मूला, en इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फिर से en को en आने दीजिए, इस बार en और n आपके वेरिएबल होंगे, यानी ये कांस्टेंट हो गया, तो ये बन जाएगा माइनस k अपॉन, यहाँ लिखिए k माइनस k अपॉन एन स्क्वायर, हो गया ना। आइए देखिए, तो en को आप क्या लिखेंगे, y एक्सिस है माइनस k, बताइए एन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x, तो बन गया क्या y इक्वल टू माइनस k बाई x। ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और माइनस है तो ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे, ये बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। ऐसे ही आप एक ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ हम यहीं पर बता देते हैं, देखिए वो ग्राफ बनाया जाता है किसके बीच, इसको इरेज कर देते हैं, वो ग्राफ बनता है en और 1 अपॉन n स्क्वायर के बीच। आइए देखिए, फिर से आप यही करेंगे, en इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है तो माइनस k लिख लेंगे, अपॉन एन स्क्वायर। देखिए क्या हम एन स्क्वायर की जगह पे x लिख सकते हैं, नहीं, क्या ये 1 अपॉन एन स्क्वायर है ना, हमें इसमें 1 अपॉन एन स्क्वायर के फॉर्म में इसको पहले बनाना होगा, हम क्या लिखेंगे देखिएगा, हाँ माइनस k इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो बस देखिए en को हम कहाँ लिख देंगे, y एक्सिस पे, फिर माइनस k, अब बताइए 1 अपॉन एन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x, यानी कि ग्राफ क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगी और कहाँ जाएगी, नीचे, ये ग्राफ बन जाएगा, समझ में आ गया होगा। चले आइए एक बार ग्राफ चेक कर लीजिए आप, ये देखिए en और n स्क्वायर का ग्राफ, और ये है en और 1 अपॉन n स्क्वायर का ग्राफ, सही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डॉटेड किया गया है। अब देखिए, जैसे आपको ये सब समझ में आ गया, तो अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ग्राफ आपको रिलेशन यहाँ दी गई है, आप ये रिलेशन यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान रहे ये वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और आपको ग्राफ बनाना काइनेटिक एनर्जी और इन सब के बीच में, सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं एक्सिस की, बस आपको इनका ग्राफ कंप्लीट करना है, आप कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए चार ग्राफ है, चारों कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टर्म है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए इसको समझना बड़ी ज़रूरी है, बिना आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी समझे अब क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। हाँ ये बात और है, ये टॉपिक इस चैप्टर का नहीं है, इस टॉपिक को हम चैप्टर थर्ड और फोर्थ में कवर करते हैं, वहाँ अच्छे से पढ़ते हैं, चैप्टर थर्ड में आपको वेरी बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन हाँ क्योंकि इस पर रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो देखिए अब तो लाइट भी कट गई है, एक काम करते हैं इसको यहीं रोक देते हैं, इसको पार्ट सी में कवर करते हैं, ठीक है, उसके बाद पार्ट सी में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लिए जाएंगे, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बताएंगे फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ देखिए बंद भी हो गया, ठीक है। सो आज इतना ही, टिल दैट थैंक यू सो मच।